और फिर पता है मैंने क्या करा भाई, मैंने उसकी गांड पे लात मारी और वो रोने लग गया भाई वो एक नंबर का लुगाई है भाई, वो बिल्कुल लुगाई, तू सही कह रहा भाई, बिल्कुल लुगाई है वो। हाँ भाई रायन क्या कर रहे हो? मम्मी कुछ नहीं कर रहे, हम बस ऐसी बात कर रहे थे। oh, no. तुम दोनों बातें करता रहा करो। हाँ तुम्हारे वो ये चादर झाड़ो क्योंकि तुम्हारे पापा के फ्रेंड आ रहे हैं वो अंकल, ठीक है? तो कुछ चादर को जल्दी से झाड़ो, ठीक है? मैं भी आती हूँ, लगता है वो आ गए हैं, मैं भी आती हूँ। यार क्या यार यार मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है यार यार बैंग करके, और वो अंकल तो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है यार, यार मतलब हद है यार, मतलब एक तो ऐसी लॉकडाउन चल रहा है, फिर कोविड हो रहा है, अंकल यूं नहीं कि घर में बैठ जा, पहले दूसरों के घर पे घूमना। हाँ यार ऐसे पैंडेमिक में बैंग करके यार मैं तो इसलिए मन नहीं करता, मैं इसलिए किसी के घर भी नहीं जाता पता, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं जा रहा तो वो भी नहीं आ रहा। मैं तो सच बताऊँ ना अंकल के जाने का वेट करता हूँ, ये अंकल ना बहुत ज्यादा बकचोद है, बिल्कुल बकचोद है, एक नंबर की बकचोद है। अंकल के पास आके बैठ जाएंगे, गांड उठा के पाल देंगे ऐसे, और फिर कहेंगे तूने पा दे तूने पा दे यार, यार ये बिल्कुल हर बार मेरे साथ ऐसी मैं कान ठाक के पाता। हेलो मम्मी। हाँ मैं अभी आ रहा, मैं जा रहा भाई। अबे तब तू कहाँ जा रहा है यार, बेटा ऐसे रिश्तेदारों के बारे में कोई कुछ कहता नहीं है, मुझे तुझसे ये उम्मीद ही नहीं थी। चप्पल कहाँ गई मेरी, चप्पल चप्पल नहीं मिली मेरी, रुक जा अभी आती हूँ मैं, रुक जा।